अब मैं निवेदन कर रहा हूं एक ऐसा नाम जो संभावनाओं के क्षितिज पर स्थापित होने की प्रबल बात सोची जा सकती है, भारतीय जनता पार्टी की नेता राजो मालवीय। 3 अगस्त 1968 को जन्म, वनस्पति शास्त्र में MSc, युवावस्था में 89 में पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी, दुर्गा वाहिनी की क्षेत्रीय संयोजक, वात्सल्य ग्राम प्रकल्प से लंबे समय तक जुड़ी रहीं, 99 में BJP की ओर से भोपाल महापौर पद की प्रत्याशी रहीं, 2002 से भाजपा प्रदेश कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में काम, 2004 में राज्य महिला आयोग की सदस्य, 2010 से 16 तक भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश मंत्री के रूप में कार्य, गुजरात उत्तर प्रदेश हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव में पार्टी का काम संभाल चुकी राजो मालवीय भाजपा की मीडिया पैनलिस्ट हैं। राजो मालवीय कई सामाजिक संगठनों से जुड़ी हैं, कल्याणी मैगजीन का संपादन भी कर रही हैं। जब संपादकीय सोच जिस व्यक्तित्व के अंदर हो उनसे आग्रह। राजो जी पिछली बार आप चूक गई थी। सम्मानीय मंच का नमन, प्रवर सदन को सादर प्रणाम करती हूँ। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, इस भाव के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा रही थी कि दखल न्यूज़ ने दखल प्राइड अवार्ड के माध्यम से अनुराग भैया और शेफाली जी ने मेरे जीवन में दखल दिया। जब कोई प्रशंसा करता है या कोई हौसला अफजाई करता है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस हौसला अफजाई से बढ़ी हुई जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निर्वहन कर सकूं। नमस्कार। लेकिन एक सवाल था आपसे, बहुत चर्चा है BJP में, BJP के बाहर, कि आप महापौर का चुनाव लड़ने वाली हैं। भैया चूंकि परिदृश्य ऐसा है तो चर्चाएं तो अनेक प्रकार की होती हैं और आती हैं, लेकिन मेरे दल में फैसला मेरा राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व करता है। उनके लिए मैं बिना पता लिखा लिफाफा हूं, वो जहां का पता लिख देंगे मैं वो चली। बहुत बढ़िया। एक राजू जी की बात पे मुझे दो पंक्तियां याद आ गई कि पता उनका पैगाम आपका, बीच में फाड़ा मैं ही जाऊंगा। धन्यवाद। पैगाम देना नहीं है ना कि देना है। वैसे मैंने भैया की बात का पहले उत्तर दे दिया था, लेकिन अगर मेरे वरिष्ठों के आशीर्वाद और परमपिता परमेश्वर की कृपा से ऐसा कोई अवसर आया तो मेरा प्रयास होगा कि मेरे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भैया शिवराज सिंह जी चौहान ने जो इस राजधानी के लिए सपने देखे हैं, जो योजनाएं बनाई हैं, उन्हें 100% इस धरती पर वो उकेर सकें, बस इतनी ही कोशिश मैं कर सकूं तो अपने जीवन को धन्य मानूंगी। निश्चित रूप से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और मैं ये कह सकती हूँ कि अब तक जिस भाव से समाज का काम कर रही थी, राजनीति में काम कर रही थी, आज उत्तरदायित्व तो बढ़ा है और बढ़े हुए उत्तरदायित्व और बढ़ी हुई जिम्मेदारी के साथ कुछ और अच्छा करना है, यही आज नया संदेश मिला।